के मेरे को रियल्टी में गवर्नमेंट 40 लाख रुपए दे दी, मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा एक दो दिन में ही। कितनी बड़ी पकड़ी है, स्टार्ट हो गई है, सब देख रहे हैं, आस पे हुए सब इकट्ठा हो रखे हैं। तो देखो भाई, मुन्ना और दीक्षु ने कोर्ट की सीट ले ली है। हनी हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इतना बड़ा कड़ा मुंह सोने का, एक पानी की रिस की थाक होने दोनों आगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। देखो गाइस, यहाँ का व्यू देखो, एक नंबर का मस्त। जिन्हें क्या करें, अरवारी ट्रोली वो देखो भाई, वो रही एक नंबर व्यू है। जाना उसमें बैठना है, देखो भाई मस्त व्यू होगा थी, एक नंबर का। तो गाइस अभी आए हम महाराणा प्रताप के म्यूजियम में। यहाँ पे क्या क्या, वो अलग था और ये अलग है, तो इसमें देखेंगे क्या क्या। सोच बोल रहे की कोई फिल्म वगैरह भी दिखाते तो वो भी देखेंगे। और भाई यहाँ की टिकट है भाई 120 रुपए और बच्चों की है 60 रुपए, तो देख लो आपको दिखा दिया है। और अंदर क्या क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। ये है भाई मेन डोर, तो चलते हैं अब अंदर। मेरे को रियल्टी में गवर्नमेंट 40 लाख रुपए दे दी, मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा एक दो दिन में, तीसरा दिन में लगाऊंगा। रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड के इतनी बड़ी 8000 मीटर पर बड़ी है, जुनून होना चाहिए। मछेंद्री पाल थी बगैर पीछे कैसे चढ़ गई थी वो लेडीज, मछेंद्री पाल। कोई ना भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए बाजा, चलो इन गाइड के रहे, चलो 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 दर्शन करेंगे, म्यूजियम देखेंगे, चलो आ जाओ। ये देखो गाइस, और ये भाई ये महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक, और ये भी भाई पुराना ही है। और ऊपर देखो केरा है ना मस्त, एक नंबर का। और भाई अंदर भाई मूवी दिखाते हैं, वो देखेंगे कैसा है, मस्त लग है ना। ये भाई मान सिंह है देख लो, ये राणा प्रताप, और भाई सूंड लगा रखा है ये, जो ये देखो भाई हाथी के चढ़ पाए, हाथी को ऊपर चढ़ गया था घोड़ा, देखिए तरीक है भाई। अभी यहाँ पे जो फिल्म या शो है वो शुरू होने वाला है, तो वही देखने जा रहे हैं पूरी लाइन एक बार में, मतलब कुछ अंदर जाते हैं उसके बाद वेटिंग रहती है। तो भाई यहाँ पर होगा शो शुरू, और भाई कैसा शो है हमें भी नहीं पता, वो भी आपको दिखाएंगे अगर हो सका तो शूट करने गया तो चल रहे हैं इससे पहले अंदर, ठीक है गाइस। ये है म्यूजियम, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ वरना आप बोर हो जाओगे। ये देख लो भाई, खुद ही गैस कर लेना और खुद सर्च कर लेना इनके बारे में, दिखा देता हूँ एक करके। ये देखो गाइस, ऊपर लिखा भी हुआ है, देख लेना भाई आराम से। ये देखो भाई, और देखो भाई महाराणा प्रताप कैसे पूजा रहा है यहाँ से, और देख लो भाई कैसे दर्शन काटे, सब कुछ दिखा रखा है स्लो मोशन में करके, देख लेना धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, और भाई फोटो से गैस कर लेना कि कैसे क्या हो रहा है। ड्रिंक गेम ये भाई, कितनी बड़ी पगड़ी है भाई, देखो कितनी, इतना बड़ी सिर, इतना बड़ा सिर था ये उनका कवच, देख लो भाई कितना, कितनी बड़ी पगड़ी है। और भाई इनके जो भी पहनने के होते हैं वो है कवच कुंडल जो भी कुछ बोलते हैं उसे, और आगे दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई तलवारे भाला, ये रही स्टार्ट हो गई है, सब देख रहे हैं आस पे हुए सब इकट्ठा हो रखे हैं। तो देखो भाई, केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे, देख लेना सर्च कर लेना, वरना बोर हो जाओगे। इससे पहले मूवी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मूवी शुरू होने वाली है और दिखाएंगे भाई कैसा क्या होगा। जल्दी जल्दी बैठ जाओ भाई, यहाँ पे सही है, यहाँ पे आगे इतना दिखा इतना ज्यादा कॉर्नर की मुन्ना दीक्षु ने कॉर्नर की सीट ले ली है। आओ भाई जल्दी देखें और देखते हैं मूवी में क्या है और मिलते हैं थोड़ी देर में, और कुछ थोड़ा बहुत होगा तो हम आपको दिखा देंगे। सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस भाले से भरपूर मार दिया। मान सिंह हाथी में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांगकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राज मुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। यह है गुफा, अब देखते कहाँ निकलते हैं। सुरंग है, देखिए मस्त बना रही है ना। दीक्षु कैसी लगी मूवी? मेरे दरुए खड़े हो गए, लाइट बंद कर रखी है। अरे लाइट तो ऑन करो भैया। भारत माता की पूनम जो सारी मूवी देखी है वो बहुत बढ़िया, मिस कर दिया। एक तो किताबा तपट है और एक ने देखा है। हां तो उसमें शॉर्टकट में पता चल जाए सब कुछ, जो हमने देख लिया ये जो को तुम्हारे आंखा क्या कह रहा है ये होगा कि यहां पे है नॉलेज हो गया। तो पिछले जन्म महाराणा प्रताप तो मैं ही था। मजाक सोचो तुम, आज मैंने सच्ची बता दी ना, तुमने विश्वास नहीं कर रहे ना तुम। यार याद आ लग गया, इतना याद ना कही थी मेरी दरानी। या कौन सी है इतनी ध्यान कौन है, कौन से नंबर की है? नाम ना दे रहा तो नंबर तो पता होगा। हाँ दूसरे नंबर की है। पहली कौन सी चलो बताओ, पहली का नाम याद कौन है ना, नाम चेंज हो गया ना फिर जितना भाई सारी अगर जन्म दूसरा होगा तो नाम भी चेंज हो जाएंगे। सोने का ये बताता ना तेरे लकड़ी का तेरे की तो खोदेगी वो नुकसान के। चल तू चल चल गा अपनी। ये वो कुआ है जिसके पे गहरा ही नहीं पता इसकी। वाओ डायलॉग ना मारा सुशले की बार। मजाक था 50 फीट है भाई, ये देख लो भाई ये रही एक पानी की रही इसकी थाक होना है दोनों आगी देख लो भाई। हमें काम आता है जामन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए, तो काउंटर पे सभी मेहमानों को सैंपल दिखाते हैं, आप लोग भी टेस्ट कीजिए, बाकी भी आप लोग फ्री है आराम से घूमेगा आप एकदम। गाइस हमने देख लिया भाई जो जो देखना था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी लोकेशन होगी हल्दी घाटी और अब हमारा 3-व्हीलर एक के में बैठ रहे हैं सारे सारे। चलते हैं भाई नेक्स्ट लोकेशन पर और वहां पर क्या क्या है वो देख लेना। हल्दी घाटी वैसे हल्दी जैसी है मिट्टी, तो फिर भी दिखा देंगे आपको। देखो शाम का व्यू भी बहुत ही मजेदार है भाई, एक नंबर का व्यू, एक नंबर का। ये है रण मुक्तेश्वर महादेव प्रताप गुफा, तो यहाँ चलते हैं पहले हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी सामने है। अच्छा सामने है भाई, हल्दी घाटी सामने है उस तरफ और ये है गुफा। पहले चलते हैं गुफा के अंदर। हाँ तो अंदर चलते पहले दिखाते हैं आपको। चलो देखो भाई गुफा और कितने चमगादड़ है यहाँ पर। अरे भाई कुछ नहीं बेरा देखो कितने सारे हैं, कितने सारे वहां पर भी देखो भाई। ये है वो गुफा। ओ भाई टाइम वेस्ट ना करते हो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको वो भाई चिपक जाता है।
बच गया, सीधा मुंह पाया। तो चलते हैं हल्दी घाटी। गाइस ये है हल्दी घाटी, और भाई देखो यहाँ से शुरू हुई है, बिल्कुल हल्दी जैसी है। अभी तो थोड़ा अलग कलर हो रखा क्योंकि थोड़ी रात हो रखी है, देख लो। पर गुफा सी है, कती गुफा तो ना, मतलब एरिया ऐसा ही है, मतलब ऊपर लटक जाते हैं गुफाएं है भाई, पर ये देखने के लिए बस। और थोड़ी देर में मैं उतर के दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत बच बचा गए, बहुत कुछ रिस्क लेकर आ रहे हैं यार, फिर भी हमने करा पूरा अपना टास्क। टास्क भी ये था, मतलब जो भी था हमने देखना था। ये रही हल्दी घाटी। चलो तिलक जाओ, युद्ध जीत के आओगे। ठीक है, चटनी 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 है, कदे चटनी बना दे तेरी हो। ये देख क्यों दरार आ रही, देख क्यों छोड़ी, क्यों आ रही है बता। प्रेशर ज्यादा हो रहा है भाई, नीचे ये कम है और ऊपर कम है, कुछ भी मतलब। और क्या, ये कौन सा लॉजिक है, लेट मल चल हो रही है। मेरे साथ भूकंप आया था, और भाई कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी हल्दी घाटी। यही है भाई, देख लो। अब यहाँ पे पहले फोटो खींच लेते, फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। हल्दी घाटी हमने देख लिया, आप भी देख लेना व्लॉग में, और हम जा रहे हैं सीधा होटल क्योंकि रात हो चुकी है। और एक घंटा शिव जी की मूर्ति कहाँ पर, कहाँ पर पड़ती है, कितनी दूर है, खुली मिली तो देखते हैं। ठीक, तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं, जो भी कुछ करेंगे आपको लोगों को पता चल जाएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस रात में 7:30 बज रहे हैं, तो कितना मस्त व्यू आ रहा है चांद का। तो गाइस हम आ गए हैं होटल में वापस घूम फिर के हल्दी घाटी। बच्चों को नहीं लेके गए थे क्योंकि थोड़ा रिस्क था, लेकिन सब कुछ फाइनली देखा है हम। हल्दी घाटी देखा है, म्यूजियम देखा है, महाराणा प्रताप का चेतक की समाधि देखा है, उनके घोड़े की, मतलब हल्दी घाटी देखा है। तो अभी हमने जहाँ रूम ले रखा था एक रूम, तो हम वहीं हैं। अभी हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला है, हमारी ट्रेन है 12:45 की, तो मेरे ख्याल से 11:30 बज चुके हैं, और अब हम 12 बजे निकलेंगे ट्रेन के लिए। तो मैं ये वाला व्लॉग करूँगी। और भाई ये रिस्क अपने अब हमारे लिए भी लिया है हमने, और भाई जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी लिया है, क्योंकि बहुतों ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे जाना। तो हमने सोचा अगर किसी ने बोला है तो भाई सोच समझ के बोला, क्योंकि देखने जाओ, देखने की चीज़ है। तो क्योंकि बार बार आया नहीं जाता इतनी दूर, अब आएंगे तो पता नहीं कितनी साल बाद आएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि देख के ही जाएंगे। सब कुछ ठीक है अभी यहाँ पे, माहौल मतलब बोल रहे कि भाई दीदी अपना ध्यान रखो यार, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दंगे वंगे हो रहे हैं, पुलिस है। हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर, एंड आपको सीधा मिलूँगी अब घर पर नेक्स्ट व्लॉग में। बीच का कोई ट्रेन का व्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब नींद भी शूट करने के चक्कर में ये हो जाता है कि थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा घर पे, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।